मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ रतलाम जिले में सैलाना नगर के कृषि उपज मंडी परिसर में हुआ है। वही कार्यक्रम में जिले से आए जिला कलेक्टर रुचिका चौहान, जिला पंचायत सीईओ संदीप केरकेट्टा, विधायक हर्ष विजय गहलोत सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। साथ ही शिविर में समस्त संबंधित विभागों की पृथक पृथक टेबल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। विभाग से संबंधित शिकायतें आवेदन प्राप्त किए गए। वहीं प्राप्त आवेदनों शिकायतों का निराकरण शिविर के दौरान ही किया गया। रतलाम से संवाददाता की रिपोर्ट। सरकार आपके द्वार नाम ही सार्थकता है, नाम ही काफी है। ये तो बहुत पुराना कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस का। और मोतीलाल जी बोरा जब मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, जब से ये योजना कांग्रेस ने चलाई है कि गांव में जो छोटी बड़ी समस्या होती है, छोटे छोटे काम होते हैं, किसी कारणवश नहीं हो पाते, तो उनके आम आदमी को परेशानी ना हो, उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े, उनके काम आसानी से हो जाए, सरलीकरण हो जाए, उस भाव से ये कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू किया है। और बहुत ही अच्छा ये शिविर आज सैलाना में हुआ है। हमारे जर्नलिस्ट महोदय भी हमारे साथ में, और ऑन द स्पॉट हमने समस्याओं का हल किया है। किस तरह की प्रमुख समस्याएं आपके क्षेत्र में? छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कोई कूपन की समस्या है, पेंशन की समस्या है, कहीं मकान की समस्या है, तो छोटी छोटी बातों के कारण अटकी भी थी। आज उसमें निसंदेह मैं समझता हूँ कि 90% समस्याओं का हल आज इस शिविर के माध्यम से हमारे जनता का है। सर्वप्रथम हम लोगों ने जैसे कि निर्देश थे, हमारे सैलाना के विधानसभा क्षेत्र में आज हम लोगों ने भ्रमण किया, कुछ पंचायतें सिलेक्ट करी थी जो सिर्फ मेरी टीम को और अपनी टीम के साथ नहीं शेयर किया, इसको गोपनीय रखने का प्रयास करा, इसलिए ताकि जो वास्तविक स्थिति है वो हमारे समक्ष में आ सके। तो जो मूलभूत कुछ इशूज हमारे सामने आए, उसको जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर बिजली के कनेक्शंस तो हो गए हैं, लेकिन क्लासेस में मुझे लाइट नहीं मिली, तो उसको तत्काल प्लेस में करने के लिए निर्देश दिए। साथ में ही भोजन हमको सब जगह पर मेनू अनुसार आज मिला, तो ये एक उत्साहवर्धक बात है। इसके अतिरिक्त एक शासकीय हमारे जो अध्यापक महोदय हैं वो भी कम स्कूल में जा रहे थे, ये इस चीज़ का फीडबैक भी तब हमें मिल सका जब हम लोग फील्ड में निकल रहे थे, तो उन पर भी कार्रवाई करने के हमें निर्देश दिए गए। साथ में हमने हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। हॉस्टल में चूँकि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बच्चियों का हॉस्टल है, हालांकि कमरे अभी वहाँ पर छोटे हैं, तो शासन से सैंक्शन हो गया उसका निर्माण हो गया था, उसको भी हम लोग आज देख सकते। ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और एक फर्स्ट हैंड फीडबैक कि क्या वास्तविक हमारी क्या नीड्स हैं लोगों की, वो इस योजना के माध्यम से हमको जाने मिल रही है। और उसी के बाद में आज हमने सैलाना मंडी में माननीय विधायक जी की उपस्थिति में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पर सभी प्रमुख विभाग जिनसे संबंधित लोगों की आम समस्याएं रहती हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। आधार के अपडेशन को लेकर के एक विशेष मेजर इशू रहता है, तो हमने दो मशीन्स आज यहाँ पर आधार के लिए लगवाई हैं, उसमें सुबह से काफ़ी लोग अपना अपडेशन भी करवा चुके हैं। और साथ ही रेवेन्यू और ग्रामीण विकास, ये दो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी मूल रूप से समस्याएँ लोगों को रहती हैं, उनका भी आज हर संभव प्रयास करके, जो कई बार डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन के अभाव में रह जाता है, यानी सभी अधिकारियों से अलग अलग आवेदन बेचारे बात नहीं कर पाते हैं, और उसमें कई बार उनकी प्रॉब्लम्स जो सिंपल है उसके बाद भी सॉल्व नहीं कर पाती। आज इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये तत्काल मौके पर निराकरण हो रही है, चाहे मंडी में किसी के पेमेंट से संबंधित या नया सवेरा योजना में किसी का मृत्यु हो जाने पर आश्रय जो उनको सहायता राशि मिलती है उसके संबंध में, तो आज एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमको देखने को मिल रहा है, और निश्चित ही हम इसमें पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी इसको मेंटेन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।